इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10 साइंस का जो मेडल नॉन मेडल चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आई थिंक 55 नंबर पेज पे है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जिंक के, देखो जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम एंड कॉपर के, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स, इनको इन मेटल्स के साथ हीट किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया कि किस केस में जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, किस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी इसका हमें आंसर देना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है ना वो क्या करता है कि लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमको पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए ना कि पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन मर्क्यूरी एंड देन कॉपर देन सिल्वर देन गोल्ड, ये हमारे पास क्या है, हमारी एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है ना, कि ये हमारा ऑर्डर है जिसमें ये इनकी रिएक्टिविटी की पावर को दिखाता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरफ को जा रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे पहले ही इस वाले को फिल कर लेते हैं। ठीक है, जब तो देखो जब जिंक ऑक्साइड जो है जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक और जिंक दोनों तो बराबर रिएक्टिविटी के होंगे ना, यहाँ पे तो कुछ रिएक्शन होगी ही नहीं ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, तो ये हो गया ब्लैंक, हो गया यहाँ पे नो रिएक्शन। अच्छा, अब जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम के साथ। जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब जिंक कहाँ है, नीचे है। मैग्नीशियम जो है हाई रिएक्टिव है ना जिंक से, मैग्नीशियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, इस केस में रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे लिख लेना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे मैं DR लिख रहा हूँ। अब जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर के केस में, कॉपर देखो जिंक यहाँ है और कॉपर नीचे है, कॉपर लेस रिएक्टिव है तो यहाँ पे नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक के केस में देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक, देखो मैग्नीशियम यहाँ ऊपर है जिंक यहाँ नीचे है तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम के केस में देख लेते हैं, यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम दोनों सेम है तो रिएक्शन क्यों होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं किसका केस, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर, कॉपर देखो नीचे है एंड मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है तो कॉपर कैसे डिस्प्लेस कर सकता है इसे, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा इसे, तो इसलिए यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो है नो रिएक्शन। एंड कॉपर ऑक्साइड और जिंक के केस में देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड नीचे है, कॉपर जो है यहाँ है ना, कॉपर कॉपर ऑक्साइड जो है नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, और जिंक क्या है, जिंक जो है हाई रिएक्टिव है ना, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर हम किसको देखें, ये उसके बाद हमारे पास आता है कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम। अब कॉपर और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या बात आई कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर की, तो यहाँ पे नो रिएक्शन क्योंकि दोनों सेम ही हो गए ना, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर दोनों सेम हो गए। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने ये देखा कि हाईली रिएक्टिव कौन है एंड लेस रिएक्टिव कौन है। ठीक है, जो हाई रिएक्टिव होगा वहां पे रिएक्शन होगी, अगर लेस रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन नहीं होगी।